हेलो वेलकम। आज हम बनाए में जो डिश जा रहे हैं वो फास्टिंग की डिश है। तो आप जब भी फास्टिंग करो तो ये डिश बना के आप खा सकते हैं। तो उसके लिए ये हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो साबूदाना वड़ा। तो ये पोटैटो और साबूदाना दोनों को मिक्स करके हम वड़ा बना रहे हैं, वो फास्टिंग के लिए डिश है। तो ये साबूदाना जो हमने पानी में भिगो के रखा है उसको आधे घंटे पानी में भिगो के रखे, 1 से आधे घंटे, और बाद में सारा पानी निकाल के उसको सूखे कर लें साबूदाने को। और ये पोटैटो हमने बॉईल कर लिया है जिसको पील करके हम ग्रेट कर लेंगे। उसके अंदर ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स नहीं डलता है, तो ब्लैक पेपर, आप चाहे तो तर्ज और लौंग का पाउडर भी डाल सकते हो। ये है ब्लैक पेपर, सी सोल्ट, ग्रीन चिली और जिंजर। तो ये हो गया हमारा इंग्रेडिएंट्स। अब उसको कैसे बनाना है वो हम दिखाएंगे। तो पहले ये आप जैसे हमने बोला आप रेडी कर ले, और फिर उसको मिक्स करेंगे हम पोटैटो साबूदाना और सब ग्रीन चिली, जिंजर, ब्लैक पेपर और सोल्ट मिक्स करके उसके छोटे छोटे बॉल बनाएंगे और वो हम ऑयल में डिप फ्राई करेंगे। उस तरह से ये बनेगा। तो ये पील कर ले पोटैटो और ग्रेट कर ले। तो ये साबूदाना को हमने थोड़ा सा आप अच्छी तरह से धो लें और उसके बाद उसको पूरा सूखा कर लें, और उसके अंदर मैश पोटैटो हमने डाल दिया है मैश करके। क्रश भी कर सकते हैं, मैश भी कर सकते हैं आप। तो साबूदाना और पोटैटो दोनों आप मिक्स कर लें, और इसके अंदर आप पीनट्स भी थोड़े से भून के, पीनट्स के छिलके निकाल के, पीनट्स क्रश करके भी पीनट्स भी डाल सकते हैं। आपको अगर पीनट्स डालना है तो उस तरह से भी आप इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स के अंदर डाल सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा सा लेमन जूस भी डालें और थोड़ी सी शुगर। तो ये जिंजर और ग्रीन चिली क्रश करके हम डालेंगे। आप अपने हिसाब के टेस्ट के हिसाब से डालें, जितना थोड़ा स्पाइसी खाते हैं, कैसे खाते हैं आप साबूदाना वड़ा, तो उस तरह से आप थोड़ा डालें ये उसके अंदर। सी सोल्ट थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार, बाद में चख के आप ज़्यादा डाल सकते हैं अगर कम लगे तो। थोड़ी सी शुगर, शुगर डालनी है तो, नहीं डालनी है तो नो प्रॉब्लम। अगर आप शुगर कम खाते हैं कई लोग, तो शुगर मत डालें। तो और उसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर छोटे छोटे बॉल बना के हम फ्राई में, ऑयल में फ्राई करेंगे। तो इस तरह से आप उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लो और छोटे छोटे बॉल बना लो। तो हमने आपको बोला बॉल बना बना के आप डीप फ्राई कर ले, और थोड़े से गोल्डन ब्राउनिश वड़े आप निकाल दें। तो ये हो गए हमारे आज की डिश, साबूदाने का वड़ा जो हमने फास्टिंग के लिए बनाया है वो। तो इसको आप योगर्ट में डिप करके खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगता है। तो ज़रूर आप इसको बनाइए, और बनाने की रीत भी बहुत ही इजी है जिस तरह से हमने आपको दिखाया। तो आप ज़रूर इसको बनाइए, ट्राई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।